तो सभी आते हैं दो गज कफन के वास्ते, और मरना वही है जो मरे वतन के वास्ते। एक बात देशभक्ति, जब कारगिल युद्ध छिड़ गया और फौजी अपने घर होता है, उधर सीओ साहब का बुलावा आ गया कि आपकी छुट्टी कैंसिल की जाती है, तुरंत कारगिल में आ जाइए, तो मां अपने बेटे को खुशी खुशी उस युद्ध के लिए विदा कर रही है। लेकर के आ रहे हैं तेजवीर विधूड़ी बरमनपुर गुलावटी बुलंदशहर, और साथ में श्रीमती अन्नू जिला परिषदगढ़ डिस्ट्रिक्ट मेरठ। हाँ जी, इस भारत माँ की मिट्टी से मेरे माथे तिलक लगाइए तो देश के खातिर ओ मेरे बेटे। तिलक लग गई तो देश के खातिर ओ मेरे बेटे, राजी हो के जाइए तो देश के खातिर ओ मेरे बेटे, राजी हो के जाइए तो। अभी फौज को जाऊं मैं, तेरी बहना आके पूछे उसको क्या बतलाऊं मैं, तेरी बहना आके पूछे उसको क्या बतलाऊं मैं। सीमा पे दुश्मन ललकारे, अब क्यों ना देर लगाऊं मैं, भाई कमल चौधरी और विकास चौधरी 5100 रुपए देकर टीम का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा ऐसा तारना पाऊं, तेरा ऐसा तारना पाऊं, तुमने मुझको जन्म दिया अच्छे कर्म किया। भारत मना माफ करे न्यू, मैंने पेट भरण किया, भारत मना माफ करे न्यू, बेटे मैंने भरण किया। और मने री संके लपे घोले पियामा, मने संके लप घोल पिया, मने मत गायर बच रही है तो
जिसमें रसधार नहीं और वही हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस व्यक्ति में अपने देश के प्रति प्यार नहीं है उसे जीने का यहाँ हक नहीं है। और नंबर तीन बात मैं क्या बता दिया, कुछ मत ना बात छिपा माता तू अपने दिल की खोल दिए। खुशी से बोल दिए हसी खुशी से बोल दिए मत ना दिल दहलाइए तो देश के खातिर ओ मेरे बेटे राजी हो के जाइए तो देश के खातिर ओ मेरे बेटे राजी हो के जाइए तो। हिंदू सिपाही तुम सारे फौजी आपस के माँ रैना भाई भाई तुम सारे फौजी आपस के माँ रैना भाई भाई हम सारे मिलके लड़े कारगिल को समय देश की खाई। शीश पाल ने करी कविताई आ मेरे साथ गवैये तू तो।